हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार बिहार बोर्ड के भेजे प्रश्न पत्र से होगी सेंटअप की परीक्षा, उसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लेटर जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम। विषय है वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के पूर्व विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर होने वाले सेंटअप जांच परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की आपूर्ति समिति स्तर पर करने के संबंध में। तो इस साल स्कूल नहीं, बिहार बोर्ड के भेजे गए प्रश्न पत्र पर 70,000 से अधिक छात्रों को सेंटअप परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रक्रिया में इस बार बदलाव कर दिया गया है। अब तक स्कूल स्तर पर छात्र सेंटअप परीक्षा देते थे, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षा पत्र स्कूलों को भेजेगा। बोर्ड ने इस संबंध में DEO को निर्देश दिया है। मैट्रिक व इंटर परीक्षा से पहले स्कूल कॉलेज स्तर पर आयोजित होने वाली सेंटअप परीक्षा की व्यवस्था पारदर्शी और उत्कृष्ट बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल कॉलेज की सेंटअप परीक्षा में बच्चों की योग्यता जांची जा सके, इसके लिए प्रक्रिया बदली गई है। तो आइए पूरे लेटर को देखते हैं। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि छात्र छात्राओं को वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की आयोजित होने वाली सेंटअप जांच परीक्षा की व्यवस्था प्रणाली को और पारदर्शी एवं उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है, ताकि इन परीक्षाओं की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं इसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थी वास्तविक रूप से समिति द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के मापदंड पर अपनी अर्हता एवं योग्यता प्रमाणित कर सके। इसी उद्देश्य से मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालय और महाविद्यालय विद्यालय में आयोजित होने वाली सेंटअप जांच परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में इस वर्ष में निम्नांकित व्यवस्था की गई है। सेंटअप जांच परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विषयवार निर्धारण समिति स्तर पर किया जाएगा और इसकी आपूर्ति समिति तथा अपने माध्यम से सभी संबंधित मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों महाविद्यालयों विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर होने वाले व्यय का वहन समिति द्वारा किया जाएगा और इसके लिए परीक्षार्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस माध्यम के तहत समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्र का प्रारूप माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप तैयार होगा, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से समिति द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सेंटअप जांच परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन पूर्ण व्यवस्था के अनुसार ही सभी मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय विद्यालयों में की जाएगी। उपर्युक्त प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 18/9/2020 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत अधीनस्थ सभी मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों महाविद्यालयों विद्यालयों के प्रधान प्राचार्य को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पष्ट रूप से अविलंब निर्देशित करते हुए इस निमित्त अपने स्तर से सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय करने की कृपा की जाए। कृपया इसे अत्यावश्यक समझे, ठीक है। तो 24/9/2020 को ये लेटर जारी हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।